रतन टाटा के जाने से पूरा देश स्तब्ध है। दरअसल बुधवार को बीती रात या कहीं देर रात रतन टाटा का निधन हो गया। उम्र की वजह से जो बीमारियां परेशान करती हैं वो रतन टाटा को भी परेशान कर रही थी और वही इसकी वजह भी बनी। लेकिन एक जो पल था जो सबको भावुक कर गया वो था एक डॉग, वही डॉग जो करीब पिछले 11 साल से रतन टाटा के साथ था और जिसका नाम गोवा है। दरअसल जब अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया गया तब एक उससे पहले एक डॉग भी उनके दर्शन करने के लिए पहुंचा था। काफ़ी देर तक जो तस्वीर नज़र आई हैं उसमें बेहद भावुक वो डॉग नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो आंसू भी बहा रहा है और काफ़ी देर तक वो डॉग पार्थिव शरीर तक टाटा रतन टाटा के पार्थिव शरीर तक रहा। बताया जाता है कि ये डॉग उन्हें गोवा में मिला था। दरअसल रतन टाटा को डॉग से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था और यही वजह थी कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि करीब 11 साल पहले की बात है जब ये डॉग गोवा में उन्हें मिला और उनके पीछे पीछे आने लगा और वहीं से फिर ये डॉग इसे वो अपने साथ ले आए और इस डॉग को नाम दिया गोवा। केयरटेकर बताते हैं कि न इतना चाहते थे कुत्तों से, इतना लगाव था उन्हें डॉग से कि एक बार तो ऐसा मौका भी आया जब प्रिंस चार्ल्स से भी उनकी मुलाकात इन्हीं डॉग्स की केयर की वजह से छूट गई थी। और दरअसल केवल एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है डॉग्स से जुड़ी हुई, दरअसल किसी भी टाटा कंपनी के किसी भी दफ्तर में कहें कि किसी भी फैक्ट्री में जो आवारा डॉग होते हैं उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं थी या कोई भी आवारा डॉग को या कहें कि जो गार्ड्स हैं वो रोकते नहीं थे। और ये कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है, गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी, अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं, इनको बोल, इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं पूछा। क्या नाम है डॉग का? गोवा। इसका नाम गोवा क्यों रखा? ये गोवा से आया, इसके लिए गोवा राम। ये जो इनका प्यार ही है रतन टाटा का डॉग से प्यार ही है, बताते हैं कि चाहे वो टाटा का मुख्यालय हो, टाटा की फैक्ट्री हो, यहाँ तक कि जो सबसे आलीशान होटलों में गिना जाता है होटल ताज की जितनी चेन है, कहा जाता है कि उसमें भी किसी भी आवारा डॉग को अंदर जाने से रोका नहीं जाता था। ये रतन टाटा का डॉग से प्यार ही जाहिर करता है और ये बताता है कि आखिर किस हद तक उन्हें लगाव था डॉग से। और अब ये डॉग ये बताता है कि डॉग्स इस डॉग को भी जो करीब 11 साल से रतन टाटा के साथ था कितना आत्मीयता से इन दोनों का जुड़ाव रहा होगा रतन टाटा का और इस डॉग का। ये तस्वीरें बताती हैं आखिर वो भावना कैसे एक इंसान और जानवर के बीच जुड़ जाती है। आज ये डॉग गमगीन है, रो रहा है, दर्द के आंसू बहा रहा है।